दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2019 वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2019 का एग्जाम डेट आ गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया न्यूज की वेबसाइट पे आ गए हैं, आप यहाँ पे डेट भी पढ़ सकते हैं, 9 फरवरी 2020 की ताजा खबर आई। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल से आपका परीक्षा शुरू होने जा रहा है, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे जारी कर दिया गया। लाखों बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। आपको यहाँ पे ये भी बताएं कि रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपने भी ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भरा तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, संपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पे देने। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो नीचे आपको लाल कलर बटन दिख रहा होगा, जिसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से 10 GB का रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, साथ में आपको 20,000 तक का इनाम भी जीतने का मौका मिल रहा है। आपको करना कुछ ना, जो भी यहां से क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और देखिए सबसे पहले उन लोगों को इनाम दिया था जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं। जी हां दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपका नाम सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा और सबसे पहले आपको इनाम मिलेगा। तो अगर आपको भी इनाम जीतना है तो वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर करिएगा। तो आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में आंसर देना। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, यही है क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट में आंसर देना। भारत के लोग संदेश भेजने के लिए किस चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं? सबसे पहला आपका ये ऑप्शन है SMS, दूसरा आपका बी ऑप्शन है WhatsApp, तीसरा आपका सी ऑप्शन है Facebook, चौथा आपका डी ऑप्शन है लेटर। तो दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि भारत के लोग संदेश यानी मैसेज भेजने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से 20,000 तक इनाम जीतने का मौका मिला। बहुत सारे लोग देखिए इनाम मिलना यहाँ पे शुरू होगा, तो अगर आपको भी इनाम जीतना तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर जरूर दीजिएगा। तो आपको बताते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होना चाहिए, आपको सब कुछ जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी वालों का इंतजार खत्म होगा, एग्जाम डेट आ गया। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं एग्जाम डेट देख लो, 15 अप्रैल से आपका परीक्षा शुरू होने जा रहा है, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे जारी कर दिया गया। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट देख लो, 9 फरवरी की ताजा खबर आई। जी हाँ दोस्तों, आज की देखिए ताजा खबर निकल के आ चुका है, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे जारी कर दिया गया। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 1,20,00,000 बच्चों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1,20,00,000 बच्चे देखिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों आगे का लिखा, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं आज की ताजा खबर के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और परीक्षा के 10 दिन पहले रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, यानी 5 अप्रैल को रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल से परीक्षा शुरू होगा और 5 अप्रैल को आपका ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सभी बच्चों से शुभकामनाएं कि रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन या रेलवे ग्रुप डी की नौकरी आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कौन से जोन से अप्लाई किया, जरूर जरूर लिखिएगा, तभी जाकर आपको हमारे चैनल के माध्यम से 10 GB का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल कलर बटन दिख रहा होगा, जिसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का न्यूज होता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।